हाथरस में सत्संग के दौरान हुए दर्दनाक हादसे के बाद मथुरा पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है, जिसे लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व जिले के कप्तान शैलेश कुमार पांडे ने अधीनस्थों के साथ बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को लेकर मंदिर प्रबंधन व मंदिर सेवायतों के साथ मोहन बाग में बैठक कर उनकी राय ली। इस संबंध में जिले के कप्तान शैलेश कुमार पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जग प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। बाहर से आने वाले भक्तों को आसानी से दर्शन सुलभ हो सके, जिसको देखते हुए आज मोहन बाग में मंदिर प्रबंधक व सेवायत गोस्वामियों के साथ बैठक कर उनकी राय ली गई है, जिससे कि श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से दर्शन कर सके, जिसे लेकर एक प्लान तैयार किया गया है, जिससे कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु बिना किसी भय और डर के अपने आराध्य के दर्शन कर सके। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर हमारे वृंदावन धाम में है, और जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ वीकेंड्स पे और उसके कई गुना जो है विभिन्न त्योहारों में यहाँ आते हैं, और दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा कैसे हम बेहतर से बेहतर बना सके, मंदिर के अंदर दर्शन की व्यवस्था को कैसे और सुगम बना सके, इस पर चर्चा परिचर्चा हेतु जिलाधिकारी महोदय, मेरे और स्थानीय अधिकारीगण और जो हमारे मंदिर मैनेजर हैं और गोस्वामी समाज के हमारे साथी, सभी लोग एक साथ बैठे, सभी लोग इस बात से बिल्कुल मुतमईन हैं कि व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए, और ये बड़ा सकारात्मक आज की मीटिंग रही, जिसमें कुछ चीज़ों पे सहमति भी बनी कि उन व्यवस्थाओं को हमको सुदृढ़ करना है। जैसे किस तरह श्रद्धालु मंदिर के अंदर जो है एक कतार में जाके अंदर जाएं और उस कतार में निकलें, जिससे कि अंदर भीड़ का अनावश्यक दबाव ना बढ़े। अंदर जब भीड़ का दबाव बढ़ता है, लोग निकलते नहीं हैं, बाहर भीड़ का दबाव बढ़ता है, तो कैसे दर्शन सिस्टम को सुचारू किया जा सके, उन सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई, और हम सब मिलकर इन व्यवस्थाओं को अच्छा बनाकर जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, जो डेली श्री बिहारी जी का दर्शन करते हैं, उनको हम कैसे बेहतर से बेहतर सुविधा दे सके, उनका दर्शन पूजन सुगम कर सके, इसी पे चर्चा हुई, और सुरक्षा व्यवस्था कैसे और सुदृढ़ बनाई जाए, इस पे चर्चा पर चर्चा हुई। जैसा मैंने बनाया, अभी तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को चल रहे हैं। अभी तो था कि अंदर भीड़ का दबाव जो बढ़ता है उसको कम करने के लिए सीमित संख्या में ही एक समय में लोग रहे और वो एक फ्लो में निकलते रहे, इसके लिए कतार की व्यवस्था की अभी यहाँ पे चर्चा।